दिनेश लाल यादव जी रहुआ हमारे साथ हैं, आम्रपाली दुबे जी, प्रवेश लाल यादव जी, हमारे अभिषेक कुमार जी और नीलम गिरी जी, और हम लोग दो दो स्क्रिप्ट के साथ तैयार हैं जिस फिल्म के लिए काफ़ी दर्शक जो है लगातार कह रहे थे कि कब आएगी कब आएगी। तो गिरहुआ हिंदुस्तानी 4 और घूंघट में घोटाला 3 दोनों स्क्रिप्ट के साथ गिरहुआ एंटरटेनमेंट तैयार है हमारे श्री जी के एसोसिएशन में बनाने के लिए। तो अब प्रवेश जी बताइए कब आप लोग निकल रहे हैं? बस वीजा वीजा का इस बार अभी काम हो रहा है और हमको लगता है कि 20 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट करेंगे घूंघट में घोटाला 3 और फिर उसके बाद हम लोग गिरहुआ हिंदुस्तानी 4 करेंगे अभिषेक जी के साथ। अभिषेक जी हमारे लंदन में जो है वो हमारे पार्टनर। अभिषेक जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि हम गिरहुआ एंटरटेनमेंट जैसा बड़े बैनर के साथ मिले हैं और फिलहाल हम दो फिल्म कर रहे हैं, बट ये मेगा टाइप है, आगे भी फिल्में करते रहेंगे और आप लोग को एंटरटेन करते हैं। अमरपाली जी क्या कहेंगी? आपके लिए बहुत लकी है निरहुआ हिंदुस्तानी। निरहुआ हिंदुस्तानी सीरीज मेरे लिए बहुत ही लकी रहा है, हमेशा मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करने दिया और अब भगवान की कृपा से मुझे घोटाला सीरीज में भी घुस रही हूँ मैं। तो दोनों बहुत ही खास है और बहुत ही बड़ा नाम है और दोनों सीरीज का पार्ट हो गई तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। मुझे दोनों सीरीज का है बहुत ही मामले प्रवेश जी, आपका ऐसे टाइगर को नाम है जैसा कि, तो घोटाला का नाम कितना मजा आता है आपको? बहुत मजा आता है क्योंकि मुझे लगता है कि हीरो और टाइगर के बाद मुझे जो पहचान मिली फिल्म में वो घूंघट में घोटाला से ही मिली, जिसके डायरेक्टर हमारे मंजूर ठाकुर जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और इन दोनों फिल्मों को मंजूर ठाकुर जी डायरेक्ट कर रहे हैं, निर्माण स्थानीय फोर और घूंघट में घोटाला 3। तो बहुत मजा आता है घूंघट में घोटाला सीरीज करके और जो 3 सीरीज है बहुत अच्छी फिल्म लोगों को लगेगी बिकॉज ऑफ ये हम लोग लंदन बेस्ड सोच के इसका बनाए हैं और मजा आएगा लोगों। नीलम जी कैसी हैं आप? क्या कहना चाहेंगे इस दो प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के बारे में? मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है और मुझे घूंघट में घोटाला में काम करने को मिल रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अभिषेक जी कैसा लगा कि दिनेश जी को लेकर फिल्म का निर्माण करें वही उनका पुराना टाइटल के साथ? हमारे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट के जैसा है, दिनेश जी के साथ रिश्ता जुड़ना मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। दिनेश जी जैसा और प्रवेश जी जैसा जेन्युइन लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में गिने चुने होंगे, मैं तो किसी को नहीं जानता इनको जानता हूँ। और उसके बाद जो बड़ी बात है कि हिंदुस्तान गिरहुआ हिंदुस्तानी 4 इसका एक जॉइंट वेंचर मैं कर रहा हूँ घूंघट में घोटाला, जो दोनों भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी फिल्म है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी खुश हूँ कि मेरा नाम इतने बड़े प्रोडक्शन के साथ इतनी बड़ी फिल्मों के साथ मिलता है। दिनेश जी निरहुआ हिंदुस्तानी पहले हिंदुस्तान में शूट हुई थी, अभी लंदन में जा रही है, कितनी खुशी की बात है अब फिर से वापस डायरेक्टर मंजूर ठाकुर जी आपके साथ हैं। जी जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पहले जो तीनों सीरीज रही हमारे निरहुआ हिंदुस्तानी और 2 और उसके बाद 3, तीनों ही लोगों को बहुत पसंद आई, तो उसके बाद डायरेक्टर के लिए भी चैलेंज था, राइटर के लिए भी चैलेंज था और हमारे प्रवेश लाल यादव जी के लिए भी चैलेंज था कि जो 4 की डिमांड है और 4 बनाना है तो ऐसा क्या बनाए कि तीनों से भी ऊपर स्क्रिप्ट बने। तो मंजूर ठाकुर जी के साथ में बैठ के, राइटर के साथ में बैठ के बहुत मेहनत किया है प्रवेश लाल यादव जी ने और बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट बनी है और वो जब फिल्म देखेंगे लोग कहेंगे कि जो हम पहले देखे थे उसके ऊपर जाके हमको स्क्रिप्ट मिली है, वो दोनों ही स्क्रिप्ट में देखने को मिलेगा, हिंदुस्तानी 4 में भी और घूंघट में घोटाला 3 में। क्योंकि घूंघट में घोटाला 3 की जब स्क्रिप्ट आई थी तो पहले वो मेरे पास आई किसी और नाम से, तो मैंने सुना तो मैंने बोला ना 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 ना, ये जो फिल्म है और ये जो सब हीरो लोग के आगे नाम लिखते हैं लोग, कोई मेगा स्टार, फास्ट स्टार, सुपर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, प्रवेश जी के नाम के आगे मैं लिखना चाहती हूँ हॉरर स्टार। तो निश्चित रूप से स्क्रिप्ट्स
सुनने के बाद मैंने कहा नहीं नहीं ये फिल्म तो प्रवेश के जो जोन की है और जोनर की है और वो जो फिल्म इन्होंने पहले बनाई घुघट घोटाला और घुघट घोटाला टू दोनों ही लोगों ने इतना पसंद किया कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये घुघट घोटाला की होगी। और चूँकि लंदन में शूट हो रही है तो इतने बड़े स्केल पर शूट होने जा रही है, लोकेशन इसके बहुत आपको अच्छे मिलेंगे और कहानी तो ऐसी है कि फिर आप देखने के बाद बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा।